एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हमने क्या देखा था, पहला सवाल का पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो इस कंडीशन में हमारा क्या आया था, साइन 60 का मान हमने यहाँ पुट किया था अंडर रूट 3/2, कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, साइन 30 का मान 1/2 लिख देंगे और कॉस 60 का मान 1/2 लिख देंगे और इसका सेम मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई किए तो हमारा 3 आया। फिर हमने क्या किया था, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया था, इसका मान 4 आया, प्लस की जगह प्लस लिख दिया हमने। फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई किए, 1 आया, नीचे 2 2 जा 4 आया। तो ये सेम डिनोमिनेटर होने पे आंसर सिर्फ जुड़ जाते हैं, न्यूमरेटर जुड़ते हैं, तो 3 × 4/4 = 1 इसका आंसर आ गया। सेकेंडरी क्वेश्चन हमारा ये था, तीसरा वाला क्वेश्चन में लिया था cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो cos 45 का मान होता है 1/√2 और sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2। तो हमने इसको भी मान रख दिया। हल करते समय हमने क्या किया, अंडर रूट 3 अपॉन का था अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 नीचे आ गया, 1/√2 हो गया। और यहाँ पे अगर हमने इसको एलसीएम लिया तो अंडर रूट 3 एलसीएम आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जो का त्यों रहा और ये जो 2 था इसके संग अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अंडर रूट 3 2 को जब अंदर ले गए हैं तो अंडर रूट 3 ऊपर हो गया है, अंडर रूट 3 बटा का था तो बटा का बटा ऊपर आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो गया और नीचे क्या हो गया, 2√2, 2 के संग अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2√2 हो गया। और 2√3 जो हमारा क्या कहते हैं कि ये जो दिया गया था नंबर, अगला नंबर जो दिया गया था 2√3, इसमें हमारा क्या हो गया, अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6, इसकी वैल्यू 2√6 के बराबर आ गए। और इसका हमने रेशनलाइजेशन नहीं किया है, आप इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे और करके आंसर लिखेंगे परीक्षा में, हमने यहीं पे इसको छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10 square 45 sin² 30 cos² 30। अब इसको कैसे हल करेंगे, cos 60 का मान होता है 1/2, तो हमने लिखा 5 × 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस लगाया, 4 × sec 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस की जगह माइनस लगाया, 10 स्क्वायर 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर लिख दिए, अपॉन sin² 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर और cos² 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको हल करते हैं तो ऊपर वाला जो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो 5 का 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 5/4 आ गया। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 4 का, 4 × 2 = 4 अपॉन अंडर रूट 3 आया, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, 4 × 16 = 16 अपॉन √3 हो गया, क्योंकि √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 हमने लिख दिया। अब ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो 4 × 3 का एलसीएम 12 आ गया, यहाँ पे 12 एलसीएम आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे पहले तो 12 को 4 से डिवाइड किया 3 बार गया, 3 टाइम्स को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 = 15 यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 4 बार गया, फिर 8 का हमने 16 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 × 4 = 64 यह आ गया, फिर माइनस 1 में 1 से भाग दिया 12 बार गया, 12 का 1 से मल्टीप्लाई किया 12 बार गया, इन दोनों को जोड़े 64 + 15 ये हो गया 79 -12/12। यहाँ पे नीचे वाली जो चीज थी वो हमारी 1 आ गई थी, 1 आने के कारण क्या कर दिया हमने उसको गायब कर दिया, क्योंकि 1/4 और 3/4 को जोड़ेंगे तो 4/4 = 1 आ गया, इसलिए भाग देने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे 79 में से 67 यहाँ पे आया अपॉन 12 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 − 10² 30 10 30 का मान होता है 1/√3, तो हमने 1/√3 यहाँ पे मान रख ली, 2 × 1/√3² तो ये हो जाएगा 2 1/1 − 1/3, क्योंकि अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे होले तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। फिर रूट 3 अपॉन यहाँ पे नीचे 3 एलसीएम आया है, हमारा 3 एलसीएम आया है और वो यहाँ अपॉन 1 था, 1 में क्या जब
करेंगे, वन से डिवाइड करेंगे थ्री को, तो थ्री टाइम्स आएगा, थ्री का वन मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा थ्री माइनस वन, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन के टू आंसर आ जाएगा इसका। आइए ऊपर वाले में, सिर्फ ये ऊपर जो है न्यूमरेटर में हमारा यहाँ पे देखिए ये दो बचा था और ये दो हमने यहाँ पे लिख, ये तीन बटा का बटा में था तो ये तीन ऊपर आके यहाँ पे लिख गया और रूट थ्री बटा का था वो ये नीचे आ गया, नीचे तीन में से एक गया, दो दो से दो को हमने कैंसिल करा दिया, दो दो आपस में कट गए, ये हो गया अंडर रूट थ्री क्रॉस अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री, अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री हमने कटा दिया, कटाने के बाद ये वैल्यू हमारी अंडर रूट थ्री के बराबर आ गई। टेन सिक्सटी की वैल्यू है तो इसको हम लिख देंगे टेन सिक्सटी वन माइनस टेन वन प्लस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, टेन फोर्टी फाइव का मान होता है सबको अक्सर याद रहता है वन माइनस स्क्वायर की वन का स्क्वायर की, तो वन माइनस वन बराबर जीरो और वन प्लस वन बराबर टू, जीरो बाय टू इक्वल टू जीरो आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका था टू टेन थर्टी अपन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी, तो मान होता है वन अपॉन रूट थ्री, तो टू क्रॉस वन अपॉन रूट थ्री वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर कर दिए, इसको टू बाई रूट थ्री पर ऊपर रखा दिया गया है और ये अंडर रूट थ्री का जो था ये अंडर रूट थ्री नीचे दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, तीन में से एक गया दो बचा तो हमने टू बाई रूट थ्री ली। ठीक है, हम इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू से टू कट गया, ये हो जाएगा थ्री अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री, तो अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कट गया, ये अंडर रूट थ्री किसकी है, टेन सिक्सटी की वैल्यू है। नेक्स्ट है टेन ए प्लस थ्री, पहला चीज इन्होंने दिया था टेन ए प्लस बी बाई के मान निकालने, दो इक्वेशन उन्होंने दे रखे हैं थ्री और टेन ए माइनस बी बराबर वन बाई रूट थ्री, तो हम इसको हल करते समय क्या करेंगे, पहले वाले को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बराबर अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू, टेन सिक्सटी की वैल्यू है उसकी। अब यहां पे हम चलते हैं, यहां पे क्या होगा, यहां टेन से टेन गायब हो गया, यहां पे जो टेन था वो टेन से क्या हो गया, गायब हो गया, टेन से टेन हमने क्या किया, हटा दिया यहाँ पे, तो टेन से टेन जब हट गया, हटने के बाद टेन हमारा है टेन ए माइनस बी बराबर टेन थर्टी अपॉन थ्री जो वैल्यू है थर्टी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी टेन कैंसिल हो गया, ए माइनस बी बराबर हो गया थर्टी के बराबर। नेक्स्ट अगर आगे देखते हैं समय इलिमिनेशन मेथड यहाँ पे प्रयोग किए हैं, इलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, दोनों किसी भी एक प्लस कर दी माइनस कर दी दोनों कट जाएगा, ए में कर जाएगा इस वाला ए, इस वाले ए में जाएगा ये टू ए गया, हमने थर्टी जोड़ा साइन किया गया एक कल एक ही वैल्यू दिया के अब एंगल एक हमने डाल दिया अब प्लस बी बराबर हमने लिखा फोर प्लस बी या एंगल फोर प्लस बी